पल पल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आंगन में रंगोली भारतीय परिवारों में दीपावली के अवसर पर रंगोली को शुभ माना जाता है। ऐसी ही रंगोली कैसे बनती है वो हम आपको पल पल के दर्शकों को बताने जा रहे हैं, आप स्वयं देखें। विभिन्न रंगों से एक कृति के रूप में इस रंगोली को बनाया जाता है और फिर शाम होते ही इस रंगोली के चारों ओर दिए जलाए जाते हैं। आप स्वयं देखें किस ढंग से यह आंगन की सुंदरता को और चार चांद लगाते हैं। ये आप देखें, हैप्पी दिवाली। देखते रहिए पल पल की है विशेष रिपोर्ट, किस ढंग से बनाई जाती है रंगोली। ये है रंगोली और ये रंगोली पूरी होने के बाद इस पे दिए लगाए जाएंगे तो इसकी सुंदरता में और चार चांद लग जाने जैसी वृद्धि हो जाएगी। मैं आपका स्वागत है दोस्तों। आज दीपावली का त्यौहार पूरे विश्व में मनाया जा रहा है, ऐसे में अनेक भारतीय नारियां अपने घरों में रंगोली बनाती हैं और इस रंगोली में आपको दिखाएंगे हम किस ढंग से उनकी कला दिखाई देती है। आप देखें, सिरसा के एक घर में एक नवयुवती किस ढंग से रंगोली बना रही है, आप ये स्वयं देखें। और यह रंगोली किस ढंग से एक कलाकृति की तरह नज़र आती है और ये पूरे रूप में हाथ से बिना किसी आर्टिस्ट की मदद से बनाई गई हैं और बनाने वाली हैं हीना। पल पल में आपका स्वागत है। दीपावली के अवसर पर भारतीय नारियां जहां दिन में अपने घरों में रंगोली बनाती हैं, वहीं शाम होते ही रंगोली के चारों तरफ किस ढंग से दिए लगाकर ना केवल रोशनी की जाती है बल्कि रंगोली को सजाया जाता है। आप स्वयं देखें किस ढंग से शाम होते ही दीयों की थाली को लेकर कुछ बड़े दिए रंगोली के बीचों बीच रखे जाते हैं, वह रंगोली के चारों ओर दिए लगाए जाते हैं। आप स्वयं देखें दिए लगाने के बाद किस ढंग से रंगोली अपने आप चमकने लगी है। आप स्वयं देखें, देखते रहें पल पल की दीपावली के अवसर पर यह विशेष रिपोर्ट। जहां रंगोली के चारों ओर छोटे दिए लगाए जाते हैं, वहां बड़े दियों को रंगोली के बीचों बीच में भी रखा जाता है। चुप हो जा, चेना उठा।